नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिद्धमान, आप देख रहे हैं ऑटो तत्व। 2021 में अगर आप एक एंट्री लेवल हैचबैक लेने की सोच रहे हैं, 5 से 5 लाख तक का आपके पास बजट है, तो आपके जहन में दो नाम जरूर आएगा, एक रेनॉ क्विड और दूसरी मारुति सुजुकी एस्प्रेसो। तो आज इस वीडियो में हम एक डिटेल कंपैरिजन करने वाले हैं इन्हीं दोनों कार्स के बारे में और ये देखेंगे कि आपके लिए कौन सा एक बेहतर विकल्प बन सकता है। लेकिन एक चीज़ मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि इन दोनों ही कार्स के डिटेल रिव्यूज़ आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। तो आप इस वीडियो के बाद उन दोनों वीडियोज़ को अगर देखेंगे तो हर एक छोटी बड़ी चीज़ें इन गाड़ियों के बारे में आपको उन दोनों वीडियोज से जानने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं बिल्ड क्वालिटी से। अगर हम बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो दोनों ही कार्स जो हैं ग्लोबल एनकैप द्वारा टेस्ट किए गए हैं। हालांकि अगर हम बात करते हैं रेनॉ क्विड की तो रेनॉ क्विड के पिछले जनरेशन को टेस्ट किया गया था और इस फेसलिफ्टेड मॉडल को अभी तक क्रैश टेस्ट नहीं किया गया है। अगर हम बात करें पिछले जनरेशन की ग्लोबल एनकैप रेटिंग्स की तो उसमें इस पर्टिकुलर कार को कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे रेटिंग्स नहीं मिले थे। ग्लोबल एनकैप द्वारा इसको 1 स्टार रेटिंग ही दी गई थी। वही सेम चीज़ अगर हम एस्प्रेसो के बारे में कहें तो एस्प्रेसो भी जो है बिल्ड क्वालिटी वाइज एटलीस्ट ग्लोबल एनकैप द्वारा बहुत अच्छे कुछ नंबर्स के साथ नहीं आई थी। दोनों ही कार्स को 1 स्टार रेटिंग दी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं फिट एंड फिनिश एंड फील की तो कई जगहों पे आपको रेनॉ क्विड जो है थोड़ी अच्छी लग सकती है और कई जगहों पे जो है आपको मारुति सुजुकी एस्प्रेसो अच्छी लगेगी। हालांकि दोनों ही कार्स की एज सच बहुत ज़्यादा कुछ ओवर द टॉप बिल्ड क्वालिटी नहीं है और इन दोनों ही कार्स के साथ थोड़ा ही वर्क स्पेंड करने के बाद आपको ये चीज़ कहीं ना कहीं समझ में आ जाएगी। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, डिज़ाइन एक सब्जेक्टिव मैटर है। तो यहाँ पे आपको कौन सा डिज़ाइन सबसे ज़्यादा बेहतर लगता है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें। अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूँ तो यहाँ पे डिज़ाइन के डिपार्टमेंट में क्लियर कट विनर है रेनॉ क्विड। क्योंकि अगर हम एस्प्रेसो की बात करते हैं तो एस्प्रेसो का डिज़ाइन जो है काफ़ी ज़्यादा ब्लैंड लगता है एंड ओवरऑल जो शेप है वो थोड़ा सा आपको ऑकवर्ड लग सकता है। हालांकि दोनों ही जो है दोस्तों माइक्रो एसयूवी के कॉन्सेप्ट पे बनाया गया है, लेकिन यहाँ पे ओवरऑल डिज़ाइन और लुक्स के मामले में रेनॉ क्विड जो है बहुत ज़्यादा बेटर लगती है। एक और चीज़ जो मैं मेंशन करना चाहूँगा कि आप टॉप ऑफ द लाइन वर्जन भी अगर एस्प्रेसो का लेते हैं तो वो भी आपको काफ़ी ब्लैंड एंड बेसिक सा ही मिलता है डिज़ाइन एलिमेंट्स के मामले में। इसके बाद अगर आप उसको थोड़ा सा और एनहेंस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे खर्चने पड़ेंगे। ये चीज़ एटलीस्ट रेनॉ क्विड के साथ नहीं है। अगर हम रेनॉ क्विड के इंटीरियर की बात करें तो यहाँ पे आपको एक काफ़ी कन्वेंशनल डैशबोर्ड देखने को मिलता है एंड ओवरऑल जो प्लास्टिक के फील वगैरह है वो काइंड ऑफ एवरेज ही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इस कार की प्लास्टिक क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन जो डैशबोर्ड का डिज़ाइन है वो ज़्यादातर लोगों को पसंद आएगा अगर हम एस्प्रेसो के डैशबोर्ड से कंपेयर करते हैं। तो एस्प्रेसो का जो डैशबोर्ड है वो थोड़ा सा अनकन्वेंशनल डिज़ाइन के साथ आता है। कई लोगों को ये फंकी काइंड ऑफ डिज़ाइन अच्छा लग सकता है, लेकिन मुझे पर्सनली यहाँ पे रेनॉ क्विड का डैशबोर्ड डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आता है। दोनों ही कार्स में आपको स्टोरेज स्पेसेस की कमी नहीं होगी। दोनों ही कार्स के जो एर्गोनॉमिक्स है वो भी काइंड ऑफ एवरेज ही है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं फ्रंट पावर विंडोज के तो इनके स्विचेस जो हैं आपको डैशबोर्ड पे देखने को मिलते हैं, जो कि थोड़ा सा ऑकवर्ड है अगर हम एर्गोनॉमिक्स की बात करते हैं। तो अगर हम ड्राइवर सीट से बैठ के सीटिंग कंफर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे एस्प्रेसो का जो ड्राइविंग पोजिशन है वो आपको ज़्यादा कमांडिंग लगेगा, क्योंकि क्विड में आप थोड़ा सा नीचे बैठते हैं एंड कई लोग जो थोड़ा सा चाहते हैं कि मुझे रोड के आगे तक दिखे वो आपको एस्प्रेसो में ज़्यादा बेहतर मिलेगा। तो ऑल इन ऑल ड्राइविंग सीट से बैठ के आपको एस्प्रेसो ज़्यादा बेहतर कार लगेगी, लेकिन डैशबोर्ड के डिज़ाइन के मामले में आपको ज़्यादा बेहतर कार लगेगी रेनॉ क्विड। थर्ड सीट कंफर्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्लियर कट विनर है मारुति सुजुकी एस्प्रेसो, क्योंकि एस्प्रेसो जो है अच्छे हेडरूम के साथ आता है। लेग रूम एंड शोल्डर रूम भी आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाते हैं। अगर आप डायरेक्टली कंपेयर करते हैं एस्प्रेसो और क्विड के सीट को तो जो एस्प्रेसो का सीट है वो थोड़ा सा आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा, स्पेशियस भी आपको ज़्यादा लगेगा। आज से अगर आप 10 साल पहले गाड़ियाँ देखते तो इस सेगमेंट में आपको किसी भी कार्स में हार्डली कोई फीचर्स मिलती। इनफैक्ट 5 साल पहले भी आपको इस टाइप के फीचर्स इस सेगमेंट में तो देखने को नहीं मिलते थे। रेनॉ क्विड ने कहीं ना कहीं इस सेगमेंट में एक बेहतरीन फीचर्स को लाने का जो है ट्रेंड शुरू किया है एंड मारुति एस्प्रेसो एंड क्विड दोनों में ही आपको अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलता है, ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले का सपोर्ट मिलेगा, फ्रंट पावर विंडोज आपको मिल जाएंगे। तो ये
सारी चीजें तो आपको दोनों ही कार्स में देखने को मिल जाती है। जहां पे एस्प्रेसो थोड़ी ज्यादा बेटर लगती है वो है स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स के मामले में एंड टच स्क्रीन ऑडियो सिस्टम के रेस्पॉन्स के मामले में। टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है एस्प्रेसो का, वो हम मारुति के ऑलमोस्ट सभी कार्स में देखते हैं। बहुत ही फ्लूइड है, बहुत ही रेस्पॉन्सिव है एंड काफी ईजी टू यूज भी है। वही अगर हम रेनो के टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करते हैं तो बड़ा स्क्रीन है, पहले के मुकाबले काफी अच्छा हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है वो मारुति का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम का ज्यादा बेहतर मिलेगा। साउंड क्वालिटी की बात करें तो दोनों ही कार्स के स्पीकर सिस्टम जो है काइंड ऑफ एवरेज है। तो अगर आप ऑडियो फाइल है, अगर आप बहुत ओवर द टॉप म्यूजिक ढूंढ रहे हैं तो शायद आपको इन दोनों ही कार्स में एज सच वो नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ मामलों में आपको स्लाइटली बेटर लगेगा रेनो क्विड का स्पीकर सिस्टम। और यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो एस्प्रेसो का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो आपको ज़्यादा बेहतर लगेगा व्हेन कंपेयर टू द रेनो क्विड। वो कैसे, चलिए एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इंजन के रिफाइनमेंट की, तो एस्प्रेसो का जो इंजन है वो उतना ज़्यादा रिफाइंड नहीं है। हालांकि रिफाइनमेंट लेवल डेफिनेटली इंप्रूव हुआ है पहले जनरेशन से अब में, लेकिन जिस तरीके का रिफाइनमेंट आपको एस्प्रेसो देती है वो आपको नहीं मिलता है इन द रेनो क्विड। साथ में ही जो गियर शिफ्ट्स वगैरह भी हैं वो बहुत स्मूथ है मारुति एस्प्रेसो के, एंड जो इजी टू राइड एक कोशंट होता है वो भी आपको ज्यादा हाई मिलेगा इन दी एस्प्रेसो। ओवरऑल जो एनवीएस लेवल्स हैं वो दोनों ही कार्स के एवरेज हैं, लेकिन अगर आप दोनों कार्स को कंपेयर करते हैं तो कई मामलों में आपको जो एस्प्रेसो है उसकी एनवीएस लेवल ज्यादा बेहतर लगेगी। वही अगर हम बात करते हैं रेनो क्विड के कुछ अच्छे पॉइंट्स की, तो वो है स्टेबिलिटी। जी हाँ, जो एस्प्रेसो का डिज़ाइन है, एक तो टॉल बॉय डिज़ाइन है जिस वजह से थोड़ा सा बॉडी रोल आपको एविडेंट मिलता है, एंड साथ में ही जो सस्पेंशन सेटअप है वो भी थोड़ा सा आपको बाउंसी लगेगा एस्प्रेसो में। ये दोनों चीज़ें डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग पॉइंट है रेनो क्विड की, जहाँ पे जो स्टेबिलिटी है गाड़ी की वो ज़्यादा बेहतर है एस्प्रेसो से, एंड साथ में ही जो राइड क्वालिटी है वो भी आपको ज़्यादा बेहतर मिलेगी। गाँव के रास्तों में, उबड़ खाबड़ रास्तों में चलाएंगे तो आपको डेफिनेटली जो क्विड है उसका सस्पेंशन सेटअप ज़्यादा बढ़िया लगेगा, गड्ढों वड्ढों में भी जो है वो काफ़ी आराम से निकल जाती है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है रेनो क्विड का। तो ओवरऑल अगर मैं परफॉर्मेंस को समराइज करूं तो यहाँ पे डेफिनेटली एस्प्रेसो की परफॉर्मेंस जो है वो ज़्यादा बेहतर है रेनो क्विड से, क्योंकि कहीं ना कहीं क्विड जो है वो थोड़ी सी पिकअप में लैक करती है। हालांकि सस्पेंशन और हैंडलिंग एस्प्रेसो से काफ़ी बेहतर है, लेकिन ओवरऑल अगर आप सिर्फ परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, रिफाइनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो आपको एस्प्रेसो ज़्यादा बेहतर कार लगेगी। दैट सेड, अगर आपको एक अच्छी हैंडलिंग वाली कार चाहिए, अच्छी स्टेबल गाड़ी चाहिए जिसमें बॉडी रोल कम हो, एंड ओवरऑल आपको एक एवरीडे इजी टू यूज़ कार चाहिए, तो आपको रेनो क्विड भी जो है कहीं पे भी निराश नहीं करेगी। ऑल इन ऑल यहाँ पे हर चीज को कंसिडर करके मैं कहूंगा कि रेनो क्विड जो है आप लोगों के लिए एक वाकई में काफी बेहतर विकल्प बन सकता है। विदर सेट गाइस, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको इन दोनों में कार्स में से कौन सा कार जो है ज्यादा बेहतर ऑप्शन लगता है। इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे। मैं आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक रूल्स।